मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं राजीव, तो अनवी का आज होने वाला है मुंडन और उसके लिए अभी निकले हम लोग, तो टाइम पे ही है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा लेट हुए हैं और दो तीन गाड़ी में जा रहे हैं यहाँ से। एक गाड़ी में है पापा मम्मी लोग, एक में है दीदी लोग, और वहाँ से लेंगे अभनपुर से भैया लोग को और उसके बाद जाएंगे राजीव। तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बैठो, आगे। अभनपुर और यहाँ से लेंगे भैया और भाभी को, उसके बाद जाएंगे राजीव। तो शैडो भी आए हैं हमारे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? मिट्टू नाम है कि तोतो नाम है? हाँ, अनवी के मुंडन के लिए जा रहे हैं हम लोग। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बाल देख रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर बाद उसके बाद नगर नहीं आएंगे मेरे जैसे। तो हम लोग अभनपुर से निकल रहे हैं अब राजीव के लिए। लेट होते 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 ऑलमोस्ट 12 बज गए और मस्त टेस्टी इडली खाए अभी। अब जाएंगे मुंडन कराएंगे, फिर विल बैक टू अभनपुर और यहाँ पे करेंगे अपना लंच और देन बैक टू पवेलियन रायपुर। मस्त प्लान। तो हम लोग पहुँच गए हैं राजीव और हमको मिल गए श्रेणिक भाई। बाई चांस हमने फ़ोन किया इनको और यहाँ पे इनके दर्शन हो गए, तो हमारा जीवन धन्य हो गया आज का। बहुत दिनों बाद अंकुश बजाज जी से मिलके मेरा सपना साकार हुआ। मैंने सपनों में नहीं सोचा था कि ये राजीव में मुझे मिलेंगे। पुराने मित्र हैं हमारे, तो इनसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई राजीव में, और पुरानी यादें बहुत सारी है वैसे तो राजीव की। सब नहीं बता सकते आपको, सब पब्लिकली किया जा सकता। फैमिली कंटेंट है इसलिए। बट हाँ, हम लोग एक बार आएंगे और सब दोस्त लोग से एक बार और मिलेंगे यहाँ राजीव में, तो फिर कंप्लीट आपको दो तीन चीज़ें बताएंगे अपनी। तो ये है मेन राजीव लोचन का मंदिर। अभी तो काफ़ी चेंज हो गया, पर हम लोग पहले आते थे तो ये बैक साइड था, बट अभी इधर पार्किंग वार्किंग के कारण ये फ्रंट हो गया। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा गार्डन वार्डन भी बन गया। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुराना जो मंदिर है उसी तरीके का ही है, उसको कुछ चेंज नहीं किया ना रिस्टोर किया है, तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की। Thank you.
ओम श्री विष्णु 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 अथ श्री विष्णु राघे ब्राह्मण सहिता अथ दुर्वाक्षतदान मंत्रः ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मनो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः सूर इखव्योतिव्याधि महारथो जायताम दोग्धृत् धेनुर्बोढ 75% बाल गायब हो गया थोड़ा सा बचा सुह ते पुरान धृत जोखा जिष्णु रथेष्ठाः सभे योजुवास्य जजमानस्य वीरो जायताम् लड्डू जब आपको नहीं खाना है फिर भी आपको ले लेना चाहिए क्योंकि आप लोगे तो उसका नुकसान किसी और को नहीं होगा, आपके पड़ोसी को आप दे सकते हो। तो लड्डू अभी मेरे बच्चे ने नहीं लिया था, मैंने कहा लड्डू ले ले मुझे दे देना, उसने दे दिया दो दो लड्डू। हम सब प्रसाद ले चुके हैं और ये प्रसाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक आप इसमें डालेंगे डस्टबिन में और कचरा अपना साथ ले जाएँ और उसको सुरक्षित डस्टबिन में जहाँ उसको फेंकें और इधर उधर कचरा ना करें। शिवलिंग है यहाँ का